हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजेश्री काबरा, वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। लेक्चर नंबर C10 इज हियर विथ अ न्यू कंसेप्ट, रिजल्टेंट फॉर टू वेव्स। तो चलिए शुरू करेंगे अपन रिजल्टेंट फॉर टू वेव्स। अपन ने पिछले वीडियोस में ये देखा था कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट अपन ने देख लिया है। लिंक जो है पूरे कोर्स की वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो पूरा के पूरा कोर्स आप जाकर देख सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पर आई बटन में व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड व्हाट इज फेज वेलोसिटी, वो उसकी भी लिंक दे दी है, तो वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा था कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कि अगर एक से ज़्यादा वेव्स अगर साथ में आए तो उनका जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलने वाली है, जो उनकी रिजल्टेंट सुपर पोजिशन होकर आपको जो एक बड़ी वेव मिलेगी या फिर छोटी वेव मिलेगी, जो कुछ भी होगा, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन जो कुछ भी होकर आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलने वाली है, वो जो वेव है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो होती है ग्रुप वेलोसिटी। और अपने को ये भी पता है कि जो फेज वेलोसिटी है उसका कंसेप्ट जो है वो मीनिंगलेस हो रहा है, क्योंकि फेज वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको मिल रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको स्पीड ऑफ लाइट से या फिर आप बोलो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा की वेलोसिटी किसी भी चीज़ की नहीं मिल सकती, बट अपने को यहाँ पर फेज वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा मिल रही है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, या फिर आप बोलो वेलोसिटी ऑफ स्पीड से। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाने वाले हैं अपन, जिसमें अपने को रिजल्टेंट ऑफ फॉर टू वेव्स देख रहे हैं, मतलब क्या कि अगर एक से ज़्यादा वेव रही तो अपना जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो इक्वेशन है वो आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे रिजल्टेंट फॉर टू वेव्स के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिससे अपन निकालने वाले हैं कि जो भी आपको वेव का रिजल्टेंट मिलने वाला है वो कौन से फॉर्म में मिलने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अपन यहाँ पर एक कॉस्ट वेव रहेंगे, ओके, साइन वेव या फिर कॉस्ट वेव, दोनों में से कोई भी वेव लेके आप उसे सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, तो वी विल टेक फर्स्ट कॉस्ट वेव, या फिर अपन कॉस्ट वेव लेंगे, जिसका सपोज एक कॉस्ट वेव ली है जिसका जो इक्वेशन है वो आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू a cos ऑफ 2πv इंटू टी। ये जो टी जो है यहाँ पर वो होता है टाइम। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, कोई भी जो वेव है वो मूविंग है। ओके, तो इस वेव को ये प्लेस से ये प्लेस तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है टी। ओके, तो यहाँ पर जो अपन वेव लेंगे उसका जो टाइम डिफरेंस लेने वाले हैं, यहाँ पर जो वेव लेंगे उसका लेंगे अपन टाइम डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए टाइम का जो लेंगे अपन डिफरेंस, तो T1 माइनस T2 लेना था, लेकिन यहाँ पर जो T1 है वो मैंने T लिया है और T2 जो है वो लिया है x/Vp। अब x/Vp कहाँ से लिखा, जो वेलोसिटी है फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपन टाइम को लिख सकते हैं x/Vp। ओके, ये यहाँ पर लिख सकते हैं x/Vp। तो ये जो टाइम है उसका एक डिफरेंस अपन ने टी लिया और एक डिफरेंस अपन ने ले लिया x/Vp के फॉर्म में। फॉर्म चेंज है बस और कुछ भी नहीं। जो आपको पता है ओमेगा जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है 2πv, तो यहाँ पर जो है अपन 2πv यूज़ करने वाले हैं। तो ओके, देखेंगे अब क्या होगा कि अपने को t माइनस t करना था, तो अपन ने क्या कर दिया, t ले लिया एक और एक ले लिया t का ही दूसरा फॉर्म। ओके, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट टाइम फ्रॉम टाइम। ओके, तो यहाँ पर टी माइनस x/Vp ले लिया, तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, 2πv को जो है अंदर टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो मिला वो ऐसा मिला 2πvt माइनस 2πv ऑफ vx/v(p), मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ फेज। ओके, अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बोला था 2πv जो होता है वो होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर अपन ने डाल दिया ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t माइनस 2πvx/v λ। अब ये जो v लैम्डा है वो कहाँ से आया, तो ये जो vp है वही होगा v λ। vp जो है म्यू लैम्डा होता है। ओके, तो ये 2πλ इक्वल्स टू k होता है, तो 2πλ ये जो है यहाँ पर 2πλ वहाँ पर अपन रख देंगे k, तो बचा यहाँ पर x/v, तो यहाँ पर जो है अपन सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको मिलेगा a cos of wt माइनस 2πλ x, तो यहाँ पर 2πλ की वैल्यू हो गई यहाँ पर k, और ये जो vv जो है वो हो गया यहाँ पर कैंसल आउट, तो यहाँ पर मिला आपको x, तो मिल गया आपको a
कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स। तो ये आप डायरेक्टली भी ये ही ले सकते हो, डायरेक्ट ये इक्वेशन भी ले सकते हो, या फिर आप सॉल्व कर भी एक इक्वेशन ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपकी वाई के लिए, एक कोई भी आपकी वेव है वाई, उसके लिए ये हो गया कॉस वेव है, तो आप ले लोगे वाई का एक वेव इक्वेशन। ओके, ये हो गया आपके लिए वाई की वेव इक्वेशन। तो एक वैसे ही दूसरी वेव है, उसका जो सुपर पोजिशन है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वाई वन प्लस वाई टू से। आप एक टू वेव्स है तो आपने यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू लिया, अगर थ्री वेव्स होंगी तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री लेंगे, और वैसे ही सो ऑन फॉर मोर देन थ्री वेव्स अपन ले सकते हैं। ओके, तो अपन ने ये जो वाई वन है उसके लिए अपन ने निकाल लिया है ओके ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन अगर सपोज अपन ने वाई टू एक दूसरी जो इक्वेशन लिया है, एक दूसरी वेव ली है, तो उसमें अपन स्मॉल डिफरेंस पकड़ेंगे कि उस जो डिफरेंस है ओमेगा प्लस ओमेगा डी ओमेगा का डिफरेंस लेंगे अपन उसमें, और डी के का डिफरेंस लेंगे, तो अपन ने जो वाई टू के लिए इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए कॉस ऑफ ओमेगा प्लस डी ओमेगा, मीन्स स्मॉल डिफरेंस है उसके ओमेगा में, इंटू टी माइनस के प्लस डी के इंटू टी। तो अपने को पता है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा या फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, तो होता है फॉर्मूला यहाँ पर जो है कॉस ऑफ ए प्लस बी बोलते हैं अपन जनरली, बट यहाँ पर मैंने अल्फा और बीटा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है अपन ने ए यूज़ कर लिया है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा का यूज़ किया है। ओके, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा होता है टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू। यहाँ पर देखिए अब बहुत जन कन्फ्यूज होके क्या कर देते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी ओके या फिर अल्फा प्लस बीटा, अपन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए साइन बी प्लस वो वाला जो है ना वो यूज करते हैं, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है जो अपन कॉस सी प्लस कॉस डी बोल के अपन ने ट्वेल्थ में देखा था। ओके, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है ये, तो ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं अपन यहाँ पर। ये देखो कॉस ऑफ ये हो गई अल्फा और ये हो गया बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा टू कॉस ओके टू कॉस ऑफ अल्फा, ये देखो ये हो गया अल्फा ये हो गया प्लस बीटा बाय टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, देखो ये हो गया अल्फा ये माइनस का साइन और ये हो गया बीटा बाय टू। ओके, ये यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, अब अपने को करना है इसे सॉल्व, तो इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सिर्फ अपन इसलिए ले रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब अपन रिजल्टेंट यूज करें तो कैसे उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है अपन क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन लेंगे, तो यहाँ पर जो है वो टू अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो टू है यहाँ पर वो अपन यहाँ पर टू मल्टीप्लाई कर देंगे ये अंदर, और उसकी जो यहाँ पर टी से भी ये ओमेगा टी प्लस डी डी ओमेगा टी कर देंगे, यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सब कुछ सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा सिंपल सिंपल सॉल्यूशन, जो मिलेगा टू ए कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी माइनस टू के एक्स माइनस डी के एक्स बाय टू कॉस ऑफ माइनस डी ओमेगा टी प्लस डी के एक्स बाय टू। सिंपल सॉल्यूशन किया है, सिंपल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन ने सॉल्व किया है। ओके, टू ए वैसे कि वैसा कॉस ऑफ टू ओमेगा, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर टी और टी जो है वो कॉमन है इसलिए यहाँ पर इसको कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पर देखो एक्स जो है वो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर एक्स को भी यहाँ पर मैंने निकाल दिया कॉमन, यहाँ पर जो है टी वैसे कि वैसा आएगा और एक्स भी वैसे कि वैसा आएगा, तो यहाँ पर क्या मिला आपको टू ए कॉस ऑफ टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस टू के प्लस डी के एक्स बाय टू कॉस ऑफ डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स बाय टू, ये आपको मिला इक्वेशन। अब आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो साइन जब आप यूज करोगे साइन, मैंने जैसे आपको बताया ये जो सारा अपन रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वहां पर मैंने कॉस के लिए लिखा है, तो आप वैसे साइन के लिए लोगे, जब अपन साइन के लिए लेंगे तब आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है साइन ऑफ माइनस थीटा लेना पड़ेगा जो कि होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर जो है कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर
माइनस का जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो अपन ने बोला था डी ओमेगा और डी के जो है वो होगा छोटा सा डिफरेंस, जो कि डब्ल्यू मतलब ओमेगा और के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो अपन क्या कर देंगे उसे निगलेट, तो डी ओमे टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा इज इक्वल्स टू टू ओमेगा अपन बोल देंगे। अगर सपोज आपके पास 2 किलो चावल है, 2 किलो चावल मीन्स सॉरी 2 किलो चावल है मीन्स व्हाट कि आपके पास 2000 ग्राम जो है चावल है, तो 2000 ग्राम में अगर आपके पास 1 ग्राम अगर गलती से ज़्यादा पड़ गया तो उसे आप मायने नहीं रखते, आप 2000 ग्राम समझ के उसके 1 किलो समझ के दे देते हो। 1 क्या अगर आपके पास 9-10 ग्राम भी ऊपर हो गया है तो दुकानदार आपको दे देता है इजीली। तो यहाँ पर वही अपन अप्लाई करेंगे कि ये छोटी सी जो वैल्यू है उसे अपन कैंसिल आउट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओमेगा और 2K ही। तो यहाँ पर जो है टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा निगलेट, यहाँ पर हो जाएगा डी के निगलेट। अब यहाँ पर जो है वो निगलेट होने के बाद में आपको मिलेगा 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स बाय 2 कॉस ऑफ डी ओमेगा टी बाय डी ओमेगा 2 बाय टी माइनस डी के बाय 2 एक्स। ओके, यहाँ पर आपको ये मिल गया इक्वेशन y इक्वल्स टू के लिए, आपको रिजल्ट डन के लिए मिला एक सिंपल सा इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिला वो आपको मैंने जैसे बताया कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाएंगे उसके लिए, तो आपके पास एक इक्वेशन मिला। तो आपको रिजल्टेंट इक्वेशन में क्या क्या वैल्यूज़ मिली, तो रिजल्टेंट इक्वेशन में जो है वो आपको 2a cos ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स cos ऑफ डी ओमेगा t डी ओमेगा बाय 2t माइनस डी के बाय 2x। तो ये जो है डी ओमेगा बाय टू टी ये आपको बताता है कि मॉड्यूलेशन इन एंगुलर मोमेंटा, जो कुछ भी एंगुलर मोमेंटा है उसमें मॉड्यूलेशन आपको मिला है, और उसके साथ ही यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है उसमें भी आपको यहाँ पर मॉड्यूलेशन मिला है। तो दिस इज फॉर टू वेव्स, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेव्स होंगी तो वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस सो ऑन आप ले सकते हो कितने भी इक्वेशन के लिए। तो ये जो है वो मैंने आपको कॉस वेव का समझाया, वैसे ही आप साइन वेव्स के लिए ले लोगे। साइन के लिए जो फॉर्मूला है वो आप ले लोगे 2a cos ऑफ जो आपका vt था उसके जगह आप ले लोगे a sin ऑफ 2πvt और उसे सॉल्व करोगे। और यहाँ पर जो है आपने जब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू ली थी cos ऑफ अल्फ़ा प्लस cos ऑफ बीटा का जो फॉर्मूला है वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा sin ऑफ अल्फ़ा प्लस sin ऑफ बीटा का फॉर्मूला। और यहाँ पर जो आपने लिया था cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। और ऐसे करके आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, जिसमें आप पाओगे कि यहाँ पर जो है मॉड्यूलेशन होता है एंगुलर मोमेंटा में, जो अपना मॉड्यूलेशन होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटा में और होता है प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट में। तो दिस इज द रिजल्टेंट फॉर टू वेव्स। तो ये जो था वो शॉर्ट वीडियो था जिसमें अपन ने देखा कि अगर एक से ज़्यादा वेव हुई तो उसका जो सुपरपोजिशन मिलके जो वेव मिलती है उसका अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अपने को ग्रुप वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ अपन ने देखी कि अगर एक से ज़्यादा वेव्स हुई और उसका जो सुपरपोजिशन होके जब अपन उसे पूरा के पूरा एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट वेव है उसका इक्वेशन कैसे मिलने वाला है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो प्लीज़ 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 अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसके साथ ही फिजिक्स फ्लायर को प्यार देते रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए अनाउंसमेंट है, देयर इज अ गिफ्ट ऑन 5th of July जब है आपका गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के लिए आपके लिए एक बड़ी सी अनाउंसमेंट आने वाली है और आपके लिए सबके लिए गिफ्ट आने वाला है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो और 5th of July के लिए हो जाइए रेडी। तो मिलते हैं 5th of July को न्यू अनाउंसमेंट के साथ, और ऐसे तो अपन मिलने ही वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अच्छा सुन लीजिए, जो अपनी घंटी है वो भी बजा दीजिएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।